अस्सलाम वालेकुम सेवन्थ क्लास, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स? कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देखिए सर, आज हम करेंगे पेज नंबर 60 की रीडिंग, व्हाई डू एटम्स कंबाइन। एटम को कंबाइन क्यों किया जाता है, ये एटम कंबाइन क्यों होता है? एटम्स कंबाइन विद अदर एटम बट दे स्टॉप रिएक्टिंग विद अदर एटम्स, बिकम्स स्टेबल व्हेन देयर आउटर मोस्ट शेल इज कम्प्लीट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन और दे हैव ओनली वन शेल विद 2 इलेक्ट्रॉन। एटम जो है वो कुछ एलिमेंट के साथ जो है वो कंबाइन हो, एटम कुछ अदर एटम्स के साथ अटैच हो जाते हैं, और लेकिन कुछ के साथ अटैच नहीं होते, और कुछ के साथ अटैच इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके साथ वो रिएक्टिंग करना स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि उनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाता है। आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल्स हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं स्टेबल हो जाना। फॉर दिस पर्पज़ एन एटम कैन लॉस गेन और शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम। इस मकसद के लिए कुछ एटम जो हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, या गेन कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं। टू हाइड्रोजन एटम कम्बाइन टू फॉर्म अ हाइड्रोजन मालिक्यूल। दो हाइड्रोजन मालिक्यूल जो है वो कंबाइन होकर हाइड्रोजन के ही टू मालिक्यूल बना रहे हैं। आगे हम पढ़ रहे हैं वैलेंसी एंड दी आइंस। वैलेंसी इज़ द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू कंबाइन विद अदर एटम। वैलेंसी किसी भी एटम की एक ऐसी कैपेसिटी है जिसमें वो दूसरे एटम के साथ बाइंड होने की, कंबाइन होने की सलाहियत रखता हो। वैलेंसी कैन आल्सो बी डिफाइन एज द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम वांट्स टू लॉस गेन और शेयर इट्स शेयर इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। वैलेंसी की तारीफ इस तरह है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं किसी भी एटम के, जो भी एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहे, मतलब देना चाहे, हासिल करना चाहे, या शेयर करने की उसकी जो एबिलिटी है वो क्या है, वैलेंसी। फॉर एग्जांपल, सोडियम एटम लॉसेस वन इलेक्ट्रॉन, इट्स वैलेंसी इज़ वन। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसकी वैलेंसी होगी वन। फ्लोरीन एटम वन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, उसकी वैलेंसी होगी वन, इट्स वैलेंसी इज़ वन। हाइड्रोजन शेयर वन इलेक्ट्रॉन, इट्स वैलेंसी इज आल्सो वन। कॉपर, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन एक्सेट्रा है वैलेंसी नंबर टू। दी वैलेंसी ऑफ द एल्युमिनियम एंड दी नाइट्रोजन इज थ्री। दी वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम इज फोर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आयन। एन एटम विद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एन आयन। किसी भी एटम के ऊपर उसके वैलेंसी के साथ जो भी साइन है वो पॉजिटिव या नेगेटिव, वो एक्चुअली क्या है, आयंस। उससे हमें पता चलता है कितने आयंस लॉस हो रहे हैं, कितने गेन हो रहे हैं, ठीक है। प्लस जो है वो कैटायंस का, माइनस जो है वो एनायन का। एन एटम विद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कॉल्ड एन आयन। फॉर एग्ज़ाम्पल, सोडियम क्लोराइड आइन, ऑक्साइड आइन, कॉपर आइन, ठीक है। इसके ऊपर आपको वैलेंसीज नज़र आ रही हैं, प्लस है। प्लस का मतलब होगा कि ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस कर रहे हैं, और नेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। साइंटिफिकली इसके साइंस के जो हैं पर्पस वो चेंज है यहाँ पर, ठीक है। प्लस का मतलब ऐड होना नहीं है यहाँ पर, प्लस का मतलब है रिमूव हो जाना। When an atom releases its one or more electron from the outermost shell, जब एक एटम अपना एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपने outermost shell से खारिज करता है, the number of the proton more than that of the electron, तो इसमें protons के number की तादाद जो है वो ज़्यादा हो जाती है, यानी कि positive signs ज़्यादा लग जाते हैं और negative और जो electrons हैं वो lost होते हैं। It becomes a positive ion or called cation, और इस प्लस को हम कहेंगे कैटायंस। व्हेन एन एटम एब्जॉर्ब वन और मोर इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोशन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, इट बिकम्स अ नेगेटिव आयन और द एनायन। और जब ये इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, अपना गेन करेंगे, तो उसको हम कहेंगे एनायन। पॉजिटिव आयंस एंड द नेगेटिव आयंस अट्रैक्ट ईच अदर टू फॉर्म कंपाउंड। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब ये देखिए, आपको कैटायंस नज़र आ रही है और एनायंस, इन सब पे प्लस चार्जेस हैं, यहाँ पर सारे नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है। माइनस वन, इसका मतलब यह कि इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किया है, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन, इसने टू, इसने भी टू, इसने भी थ्री इलेक्ट्रॉन गेन किए। आगे ये देखिए, हाइड्रोजन है, नेट्रियम है, और सिल्वर है, मैग्नीशियम है, और एल्यूमिनियम जो है, इन सब ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया है, ठीक है। स्टूडेंट समझ आ गई आपको, इंशाल्लाह जो ये टॉपिक जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपने इसको समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।